लोगों की लाशों पर रोटियां सेकने वालों, भ्रष्टाचार करके तुमने पूरे देश का दिल दुखाया, इसलिए दलगत राजनीति के दलालों आ जाते उधर से नेता बन के मटक मटक के, शर्म नहीं आती तुमको? जैसे तुम सिंहासन मानते हो वो सेवा का प्लेटफॉर्म है, वो VIP कल्चर नहीं है वहाँ। अरे दलालो, अरे गद्दारो, शर्म करो, शर्म करो, तुम मरो चुल्लू भर पानी में। तो फिर हमारा पूरा समाज चिल्ला रहा है कि EVM से चुनाव नहीं चाहिए। क्या मजबूरी है आपकी कि EVM ही चुनाव कराएगी? तो जबरदस्ती चुनाव आयोग क्यों थोप रहा है? सिस्टम इतना करप्ट है कि आज चुनाव आयोग भी पारदर्शिता से चुनाव कराने के लिए मुंह छुपा रहा है। यदि तुम अपनी सिक्योरिटी छोड़ दो तो तुमको चील का हुए नोच डालेंगे। ये चरित्र है तुम्हारा, चील का हुए नोच डालेंगे नेचुरल जस्टिस के आधार पर। और छोड़ दो तुम अपनी जेड सिक्योरिटी, अगर ना तुमको नोच लें चील का हुए तो कहना। तिहत्तर वर्ष हो गए हैं देश को, आधी अधूरी तथा कथित ये जो संसदीय लोकतंत्र जिसे हम ढो रहे हैं, वास्तव में इस देश की आत्मा रो रही है। और इस आत्मा की जो बिलखन है, इसकी जो छटपटाहट है, आज इस देश के करोड़ों करोड़ों भारतीय नागरिक जिस तरह से अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं, हम लोगों ने इस देश का जो एक चित्र उपस्थित किया है जनमानस तक सोशल मीडिया के सौजन्य से, और वहां से जो हमारे फोन पर लोगों का संवाद आ रहा है उसके माध्यम से हमको देश का ताप पता चल रहा है कि कितना संतप्त है हमारा भारत का नागरिक। दलगत राजनीति ने 76 वर्षों के दौरान जिस तरह से समाज को दलदल में धकेल दिया, दलदल बहुत खतरनाक होता है, कितना ही कोई एनर्जेटिक व्यक्ति हो, मजबूत से मजबूत, मोटा तगड़ा शेर चीता हाथी मजबूत बुल यदि दलदल में फंस जाए तो फिर वो अपनी सामर्थ्य से निकल नहीं पाता जब तक उसका शुभचिंतक जिम्मेदार इकाई माना उसकी सहायता के लिए नहीं पहुंचता है। तो आज जो मानवीय संवेदना को लेकर के सरहद के प्रहरी इस देश की संतप्त समाज को, संतप्त जनता को, ये अपनी संवेदना के सामर्थ्य से जनकष्ट निवारण के लिए पुनः एक बार कटिबद्ध हुए हैं, इसके लिए मैं इनके माता पिता को प्रणाम करता हूं परिव्राजक होने के नाते। क्योंकि तीन समारत राष्ट्र को सती संत और सूर, और तीन बिगारत राष्ट्र को कपटी कायर कूर। आज 76 वर्षों से कपटी और कायर और क्रूर लोगों ने हमारी राजसत्ता में अपने आप को स्थापित करके रखा हुआ है। इन सब का छद्म देशभक्ति का जो प्रलाप है, छद्म देशभक्ति का इनका जो प्रलाप है, उससे देश उद्विग्न हो चुका है, आतंकित है, उद्वेलित है, आंदोलित है ये समाज। और अभी 2024 का जो इलेक्शन हमारे सर पे है, और जिस तरह का इस देश में पाखंड हो रहा है चुनाव को लेकर के, हम माननीय चुनाव आयोग से बहुत विनम्रता के साथ विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं कि जिस तरह से इस देश का एक एक युवक, बेरोजगार युवक, पीड़ित परेशान बीमार आदमी, जिसके लिए जिम्मेदार है सिस्टम, और सिस्टम इतना करप्ट है कि आज चुनाव आयोग भी पारदर्शिता से चुनाव कराने के लिए मुंह छुपा रहा है। कारण क्या है बताइए? 50 साल तक हमने जो बैलेट पेपर से पारदर्शी चुनाव कराए, जब EVM की कार्यस्थानी से देश इसको नकार रहा है, EVM की कार्यस्थानी को, EVM के घोटाले को, EVM की बदमाशी को, EVM के भ्रष्टाचार को, तो फिर जबरदस्ती EVM क्यों थोपी जा रही है? इसके लिए जवाब चाहिए चुनाव आयोग से। क्या मजबूरी है आपकी कि EVM ही चुनाव कराएगी? नहीं चाहिए EVM से चुनाव। पूरे भारतवर्ष का संत समाज, राष्ट्रभक्त, और इनसे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त होगा क्या? ये सच्चे प्रहरी हैं सीमाओं के, ये खून बहाते हैं, पसीना बहाते हैं माइनस टेम्परेचर में, अपनी जिंदगी लगाते हैं जिंदगी का क्रेम टाइम। ये राजनीति करने नहीं आए, इस राष्ट्र की अस्मिता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारतीय जवान किसान पार्टी आज इस देश को सुरक्षा कवच देने आई है। क्योंकि सीमाओं पे तो हम गुंडों से और दुनिया की तमाम दुर्दांत शक्तियों से इस देश को बचाते आए,
लेकिन देश के अंदर खोखला कर दिया इन चरित्रहीनों ने, इन भ्रष्टाचारियों ने, इन दलालों ने, इन दोगलों ने। अब इससे देश को कौन बचाएगा? इससे देश को बचाएंगे ये तीन महारथी, सती, संत और सूरवीर। ये सच्चे समाज के प्रहरी, सीमाओं के प्रहरी, ये किसान मजदूर के बेटे बचाएंगे इस देश की संप्रभुता को। यदि संप्रभुता हमारे प्रियम्बल में है तो फिर हमारा पूरा समाज चिल्ला रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, तो जबरदस्ती चुनाव आयोग क्यों थोप रहा है अपना डिक्टेट? ये जो तुम्हारी तानाशाही है, या वर्तमान सत्ता की तानाशाही है, तमाम इस देश के रजिस्टर्ड राजनीतिक दल जो बराबर ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, करना चाहिए सबको मिलकर के। सत्ता पक्ष को भी चाहिए कि हमें कोई दिक्कत नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव कराए। यदि आपकी लोकप्रियता होगी, आपके आचरण की शुचिता होगी, आपका समाज के प्रति यदि जिम्मेदारी पूर्ण आपका व्यवहार होगा तो यह समाज आपको स्वीकार करेगा। और यदि समाज ने आपके चरित्र को नकार दिया है तो आप ईवीएम के माध्यम से, जिस तरह से आपने तीन राज्यों में अभी जबरन चुनाव को अपने अधिक उसमें दिया है पक्ष में। एक घटना आई है मेरे संपर्क में मध्य प्रदेश से कि मेरे परिवार के 40 मत एक बूथ से एक विधायक के पक्ष में गए हैं जो पूर्व में विधायक था। ये मध्य प्रदेश छतरपुर जिले में नौगांव की घटना है। एक नीरज लड़का विधायक था, उसके पक्ष में अलीपुरा बूथ पर 40 वोट पड़े और जब वोट बूथ में उसके बूथ की जो मशीन से उसकी गिनती हुई तो 4 वोट निकलते हैं, 36 वोट कहां चले गए? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग में जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा है, इसको आज हमारा ये भारतीय जवान किसान राजनीतिक संगठन इसका विरोध करता है, निंदा करता है। और हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आपने ईवीएम का जबरन पक्ष थोपा तो इसका हम पूरे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम 543 सीटों पर अपने सच्चरित्र, ईमानदार, बहादुर, जिम्मेदार, सात्विक योद्धाओं को इस देश की, इस राजनीति की दशा और दिशा बदलने के लिए उपस्थित हो चुके हैं, शंखनाद हो चुका है। इसलिए देश के करोड़ों करोड़ों मतदाताओं से हमारा निवेदन है कि ये जो राजसत्ता, धर्म सत्ता और अर्थ सत्ता भय अस्त्र प्रलोभन के माध्यम से समाज का शोषण कर रहे हैं लगातार 76 वर्षों से, आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप न किसी से डरेंगे, न आप बिकेंगे किसी भी प्रलोभन में, और न आप अंधभक्ति में जाएंगे। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये जात, ये पंथ, ये धर्म, ये कर्म आपको विवेक के नेत्र से देखना होंगे। इसलिए मैं परिव्राजक होने के नाते कहना चाहता हूं पूरे देशवासियों से और जिम्मेदार सिस्टम से कि आंखों में धूल मत झोंको, ये देश भारत है। इस भारत में सती, संत, सूरवीर, निर्बीज नहीं होते। और आज ये शंखनाद हुआ है, इनके पक्ष से सती, संत और सूरवीरों की भागीदारी होगी अब संसद में। ये कपटी, कायर, क्रूर अपने गलेवान के अंदर झांक लें, अपने अंदर झांक लें कि ये कितने सच्चरित्र हैं, कितने धवल चरित्र हैं। लोगों की लाशों पर रोटियां सेकने वालों, कांग्रेसियों, भाजपाइयों, सभी जिन जिन ने सरकारें बनाई हैं और भ्रष्टाचार करके तुमने पूरे देश का दिल दुखाया, पूरे देश को आंदोलित कर दिया, इसलिए दलगत राजनीति के दलालों, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बोलो आप सब सहमत हो? सहमत। ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बैलेट पेपर से पारदर्शिता के साथ भारत की मांग है, जनता की मांग है। दलालों, कपटी, कायर, क्रूर, जिसे तुम सिंहासन मानते हो वो सेवा का प्लेटफॉर्म है, वो वीआईपी कल्चर नहीं है। वहां बड़ी अम्मा बनना पड़ता है, पीछे खाना पड़ता है, पीछे सोना पड़ता है। तुम्हारा चरित्र 76 वर्ष हो गए झेलते झेलते, अब अति हो चुकी है। अब अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति सर्वत्र वर्जे। अति कर दी आप लोगों ने नेताओं, अरे नेता तो भगवान विष्णु का नाम है शास्त्र नाम में, विष्णु शास्त्र नाम में नेता शब्द भगवान के लिए प्रयोग होता है। अरे नेता कैसा चाहिए? जैसे परिवार का एक मुखिया होता है, जैसे घर में बड़ी अम्मा होती है, ऐसा समाज की चिंता करने वाला नेता चाहिए भारत को। ऐसा नहीं चाहिए कि जाति, भाषा, वर्ग भिन्नता को उपस्थित करके डिवाइड एंड रूल, यही करने के लिए अंग्रेजों को भगाया था हमारे क्रांतिवीरों ने,
क्या यही दिन देखने के लिए उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी थी? इसलिए देशद्रोहियों, गद्दारों, तुम्हें नरक में भी कीड़े नोचेंगे। यदि तुम अपनी सिक्योरिटी छोड़ दो तो तुमको चील कौवे नोच डालेंगे। ये चरित्र है तुम्हारा, चील कौवे नोच डालेंगे नेचुरल जस्टिस के आधार पर। और छोड़ दो तुम अपनी जड़ सिक्योरिटी, अगर ना तुमको नोच लें चील कौवे तो कहना। इसलिए गद्दारों, अपने गृहवान के अंदर झांको, अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए निकल जाओ, निकल जाओ। जिसके जिसके प्रति आस्था हो जाओ और अपने पापों का प्रायश्चित करो। छोड़ो ये सिंहासन, जनता आ रही है। भारत के जवान, किसान, गरीब, मजदूर, हमारी पढ़ी लिखी बेटियां, माताएं, बहनें, बंधु, युवा आ रहे हैं देश की संसद में, इस देश के हित में नीतियां बनाने के लिए। अंग्रेजों की नीतियां ढोएंगे? भारत में लिव इन रिलेशनशिप क्यों ढोना हमको? क्यों ढोना है? तो कन्यादान वाला देश था भाई। तुम शराब बेचो, शराब अपराध की जननी है, किडनी गुर्दे खराब करती है, तुम पिला दो कोई दिक्कत नहीं। वाह, क्या गजब की अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी मेडिकल लॉबी के साथ, क्या गजब की अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ। अरे दलालो, अरे गद्दारो, शरम करो, शरम करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। आ जाते उधर से नेता बन के मटक मटक के, शरम नहीं आती तुमको? हट, नहीं मानो गद्दारो, छोड़ो ये रास्ता। तुम्हारे अंदर कोई योग्यता नहीं नेतागिरी करने की। आ रहे हैं इस देश के प्रहरी, प्रहरी पोषक, ज्ञान प्रकाशक, यही राष्ट्र के सच्चे शासक। अब इस देश की जनता आंदोलित है। ईवीएम से चुनाव का बहिष्कार, बैलेट पेपर से पारदर्शिता के साथ चुनाव होगा। इसी अपेक्षा के साथ मैं परिव्राजक स्वामी दयाशंकर, मेरा संपर्क नंबर है 9005764668। वंदे मातरम, धन्यवाद।